इसराइल से शिया मिलिशिया संगठन हिजबुल्ला की सीधी जंग जारी है। उत्तरी इसराइल के कई इलाकों पर हिजबुल्ला के रॉकेट हमले जारी हैं। इसके साथ ही हिज्ब ने नई रणनीति अपनाई है, लोन वुल्फ अटैक, यानी इसराइल के अहम शहरों में अपने लड़ाके भेजकर विध्वंसक विस्फोट कराना। हिजबुल्ला इसराइल में दोहरी रणनीति लागू कर चुका है, लेकिन हिजबुल्ला का असली प्लान यही ये नहीं है। हिजबुल्ला भी अब मोसाद की रणनीति पर चल रहा है। इसराइल के टॉप लीडर्स अब हिजबुल्लाह के टारगेट पर है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान तो उसी दिन कर दिया था जिस दिन गाजा पर हमले शुरू हुए थे। लेकिन करीब साल भर की जंग के बाद हिजबुल्लाह ने रणनीति में बदलाव कर दिया है। हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ तीन फ्रंट खोल दिए हैं। पहला फ्रंट है इसराइल से सीधी जंग, यानी रॉकेट और मिसाइल हमले। दूसरा फ्रंट है इसराइल के शहरों में बम विस्फोट। और तीसरा फ्रंट है इसराइली नीति निर्माता नेताओं को मोसाद की तरह हमले करके खत्म करना। हिजबुल्ला ने हमलों की यह रणनीति इसराइल से बदला लेने के लिए तैयार की, क्योंकि इसराइल लगातार हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले कर रहा है। अगस्त को इसराइल ने एक बार फिर दक्षिणी लेबनान के कई शहरों पर हमले किए। इसराइली वायुसेना ने लेबनान के कई शहरों पर मिसाइल और बम बरसाए। इसराइल के हमलों में हिजबुल्ला के एक सीनियर कमांडर भी मारा गया। 18 अगस्त को इसराइली सेना ने लेबनान के कई शहरों पर हमले किए। इनमें हिजबुल्ला के 6 से ज्यादा मिसाइल लॉन्च पैड नष्ट हो गए। हमले में हिजबुल्ला का कमांडर फादी कनान मारा गया। इसके बाद हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ तिहरी जंग का मोर्चा खोल दिया। हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी। हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल में रेड अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। लेबनान इसराइल की सीमा पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए और हिजबुल्ला के रॉकेट को इंटरसेप्ट करने लगे। हिजबुल्ला के उत्तरी इसराइल के किरियत शिमोना, शलोमी, शेबा फार्म्स, बेरोन और नहरिया पर हमले किए। हिजबुल्ला ने 50 से ज्यादा रॉकेट इन शहरों पर बरसाए। पहले फ्रंट पर हिजबुल्ला ने कई बड़े रॉकेट हमले किए तो दूसरे फ्रंट पर इसराइल के शहरों को दहला दिया। हिजबुल्ला के फिदाइन लड़ाकों ने 18 अगस्त को इसराइल की राजधानी तेल अवीव में बम विस्फोट किए। तेल अवीव से आई सीसीटीवी फुटेज में बम विस्फोट नजर आ रहा है। हिजबुल्ला ने 18 अगस्त को रात 8 बजे बम विस्फोट किया। तेल अवीव के सिटी सेंटर में यह धमाका किया गया। इस हमले में एक इजरायली नागरिक की मौत होने की खबर है। हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ लोन वुल्फ अटैक शुरू कर दिए हैं। हमास हिजबुल्ला ने फिदाइन लड़ाकों की एक टीम तैयार की है। ये लड़ाके बैकपैक में बम लेकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर विस्फोट करेंगे। हालांकि हिजबुल्ला का 18 अगस्त का हमला बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसराइल के खिलाफ हिजबुल्ला का तीसरा मोर्चा है इसराइल की लीडरशिप को ध्वस्त कर देना। हिजबुल्ला के रॉकेट अभी तक 16 से 50 किलोमीटर की रेंज में हमला कर रहे हैं और उसके रॉकेट लगातार इंटरसेप्ट हो रहे हैं। अब हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और इन ड्रोन का निशाना है इसराइल की लीडरशिप। ये इसराइल के तेल अवीव से आई तस्वीरें हैं
जहां सायरन गूंज रहे हैं और अफरातफरी का माहौल है। रिपोर्ट है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक हिजबुल्ला का ड्रोन पहुंच चुका है। हिजबुल्ला का ड्रोन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट विला तक पहुंच गया। ये विला हाइफा के कायसारिया में है। हिजबुल्ला के ड्रोन ने नेतन्याहू के विला की तस्वीरें भी खींची। विला के करीब ड्रोन पहुंचते ही इजरायली डिफेंस सिस्टम ने वार्निंग अलार्म बजा दिया। इजरायली सेना का दावा है कि विला सुरक्षित है और इलाके में कोई ड्रोन नहीं। इजरायल ने इसे तकनीकी खराबी कहा, लेकिन इजरायल के कई रक्षा विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि हिजबुल्ला ने साधारण ड्रोन से इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देना सीख लिया है। अब से पहले भी हिजबुल्ला कई इजरायली सैन्य ठिकानों की रेकी कर चुका है और इजरायल को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब हिजबुल्ला के टारगेट पर इजरायल की टॉप लीडरशिप आ चुकी है और इसके संभावित निशाने हो सकते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट, इजरायली सेना प्रमुख हारजी हालेवी और इजरायल के मंत्री इतामार बेन गावेन। जिस तरह इजरायल हमास और हिजबुल्ला की लीडरशिप को टारगेट करके खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है, उसी तरह हिजबुल्ला भी इजरायली लीडरशिप के खिलाफ हमले शुरू कर चुका है। इसीलिए हिजबुल्ला ने रॉकेट बम विस्फोट के साथ साथ इजरायली वीवीआईपी ठिकानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।